हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडीज। दोस्तों, आज मैं बहुत ही झटपट बन जाने वाली टेस्टी सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। जब कभी अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं और घर में कुछ भी नहीं होता है खाने को, तो फटाफट से आप दो आलू बॉयल कीजिए और इस स्नैक्स को बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। उसके बाद मैं हाथी में बारीक कटी हुई हरा लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी धनिया और थोड़े से हरे मटर के लिए है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, और साथ ही में बारीक कटी हुई हरी लहसुन की भी ली है, और इसके साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैगी मसाला ऐड किया है। इसे ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैशर लिया है, मैशर से इसे बिल्कुल अच्छे से मैश कर देंगे। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करूंगी। आप चाहे तो कॉर्नफ्लो भी ऐड कर सकते हैं। चावल के आटे से ये जो बाइट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। हमारे जो पोटैटो के मिक्सचर है वो रेडी हो गए हैं। अभी हमने थोड़ा सा ऐसे ले लिया है मिक्सचर को, और इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी शेप दे सकते हैं, बट ये सबसे ईजी है, झटपट बनाना है तो इस तरीके से आप फटाफट से इसे कट कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ले लिया है रवा। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, अगर आपके पास रवा नहीं है तो। ब्रेड तो सभी के घर में ईजिली मिल जाते हैं, तो यहाँ पे इसे मैंने रवा से कोट कर लिया है। तो बस यहाँ पे हमारा जो बाइट्स है वो रेडी है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे एकदम गोल्डन होने तक। बीच बीच में इसे इस तरीके से पलटते रहें ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो बाइट्स है वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा हो गया है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इस पोटैटो बाइट्स को चाय, कॉफ़ी या फिर सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ऑसम होता है, बहुत ही झटपट बन जाते हैं, मेहमान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और पूछेंगे कि कैसे बनाए आपने इस पोटैटो बाइट्स को। तो रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए खाते रहिए और खिलाते रहिए। आपको मेरे चैनल पे और भी स्नैक्स की रेसिपी मिल जाएगी। आप ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं।